हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पीस साइकोलॉजी, जो कि यूनिट 10 का एक पार्ट है, जिसको हम हिंदी में शांति मनोविज्ञान बोलते हैं। और इसमें हम इसकी परिभाषाएं, इसका स्कोप और इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हालांकि पीस साइकोलॉजी दर्शन में गहरी जड़ें हैं। यहाँ पे दर्शन का मतलब है फिलॉसफी वाले दर्शन से है। जो पीस साइकोलॉजी है उसकी जो जड़ें हैं वो दर्शन शास्त्र के अंदर हैं या फिलॉसफी के अंदर हैं। लेकिन पीस साइकोलॉजी ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक रुचि के सुसंगत क्षेत्र के रूप में आकार नहीं लिया। तब से विकास उल्लेखनीय रहा है। पीस साइकोलॉजी में एक व्यापक परिचय बल्मबर्ग 2007 ने साइक इन्फो डेटाबेस का उपयोग करके पीस साइकोलॉजी के उदाहरणों में रुझानों की जांच की। और 1970 और 1980 के दशक के बीच और फिर 1990 के दशक के बाद के उदाहरणों में एक बड़ी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। यानी कि ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे पीस साइकोलॉजी में वृद्धि देखी गई। ये वृद्धि निरपेक्ष रूप से और रिकॉर्ड की गई संख्या के बढ़ती संख्या के अनुपात में थी। वर्तमान लेख में पीस साइकोलॉजी की कुछ परिभाषाएं जो इस उभरते हुए क्षेत्र के दायरे को चित्रित करने का प्रयास करती हैं। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे जो कि पीस साइकोलॉजी के बढ़ते हुए क्षेत्र के बारे में बात करती हैं। पीस साइकोलॉजी दुनिया भर के विभिन्न भू आकृतिक संदर्भों में स्थित है और अंत में शांति के लिए शांति मनोविज्ञान यहाँ पे यूज किया गया है पीस साइकोलॉजी को, जो कि हर किसी को पता होगा कि पीस का मतलब हिंदी में शांति होता है। शांति मनोविज्ञान के कुछ योगदानों पर चर्चा की जाएगी। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पीस साइकोलॉजी। पीस साइकोलॉजी पर साहित्य में वृद्धि के बावजूद पीस साइकोलॉजी की कुछ परिभाषा उन्नत हुई है। पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक का नाम दिया गया है पीस कन्फ्लिक्ट एंड वॉयलेंस पीस साइकोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य परिभाषा की पेशकश की गई थी। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन है जिसको हम पढ़ेंगे। पीस साइकोलॉजी प्रत्यक्ष और संरचनात्मक हिंसा की रोकथाम और न्यूनीकरण के उद्देश्य से सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करना चाहता है। सकारात्मक रूप से तैयार पीस साइकोलॉजी संघर्ष के अहिंसक प्रबंधन और सामाजिक न्याय की खोज को बढ़ावा देता है, जिसे हम क्रमशः पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग के रूप में संदर्भित करते हैं। तो ये हुई इसकी एक डेफिनेशन जिसको दिया है क्रिस्टी, वैगनर और विंटर ने 2001 में, और ये इन्होंने अपनी जो बुक किया, इन्होंने जो आर्टिकल दिया होगा उसके पेज नंबर 7 पर है। नेक्स्ट है हमारा परिभाषा ने शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार जिसको हम बोलते हैं, के बाद के युग की वास्तविकताओं को मान्यता दी थी, जिसमें महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध को रोकना अब केंद्र की चिंता नहीं थी। इसके बजाय संरचनात्मक हिंसा की समस्या जो लोगों को धीरे धीरे मारती है, हालांकि मानव की जरूरतों से वंचित बहुसंख्यक दुनिया में शांति मनोवैज्ञानिकों के रूप में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि जो पीस साइकोलॉजी है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो जो कोल्ड वार होता है उसमें महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध से संबंधित है। दुनिया के विकासशील हिस्सों में 2/3 दुनिया शामिल है, उनके हितों को सरोकारों का दावा करते हैं। तदनुसार एक 2x2 मैट्रिक्स का प्रस्ताव किया गया, जिसने पुस्तक में विश्व का आयोजन किया और दुनिया भर में पीस साइकोलॉजी में कुछ बौद्धिक धारणाओं पर कब्जा कर लिया। तो ये जो पुस्तक है हम उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या है, उसमें इन्होंने किन 2x2 टेबल की बात की है। एक तो ये डायरेक्शन है, दूसरा स्ट्रक्चर, वॉयलेंस और पीस। तो यहाँ पे इनके 4 टाइप बन जाते हैं, डायरेक्ट और वॉयलेंस को मिला के डायरेक्ट वॉयलेंस, स्ट्रक्चर और वॉयलेंस को मिला के स्ट्रक्चर वॉयलेंस, और पीस और डायरेक्ट को मिला के डायरेक्ट पीस जिसको कि हम पीस मेकिंग बोलते हैं, और स्ट्रक्चर और पीस को मिला के स्ट्रक्चरल पीस जिसको कि हम पीस ब्लीडिंग बोलते हैं। मैकनायर 2003 द्वारा पीस साइकोलॉजी की एक समान परिभाषा की पेशकश की गई थी। तो मैकनायर के द्वारा दी गई परिभाषा को भी आप लोग देख लीजिए कि वो क्या थी। पीस साइकोलॉजी मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का अध्ययन जो हिंसा का कारण बनता है, हिंसा को रोकता है और अहिंसा की सुविधा के साथ साथ निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देता है। हिंसा के होने की संभावना को कम करने और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को ठीक करने में मदद करने का उद्देश्य है। तो ये हुई पीस साइकोलॉजी की अदर डेफिनेशन, और आप इस 2x2 टेबल को याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, इसके अलावा पोस्ट शीत युद्ध की अवधि में, यानी जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद की अवधि की बात यहाँ पे की जा रही है,
तीन प्रमुख विषयों को पी साइकोलॉजी छात्रवृत्ति और दुनिया भर में सक्रियता में समझा जा सकता है। यानी जो पोस्ट कोल्ड वार था उसके बाद पी साइकोलॉजी के तीन क्षेत्रों में सक्रियता रही है। वो पहला है हिंसा के अर्थ और प्रकार, यानी संरचनात्मक, प्रासंगिक और सांस्कृतिक पर अधिक विभेदित परिप्रेक्ष्य। दूसरा है एक सिस्टम व्यू, जो संरचनात्मक रूप से हिंसक परिस्थिति और हिंसा के एपिसोड के बीच पारस्परिक लिंक की सराहना करता है। और तीसरा है दुनिया भर में शांति मनोविज्ञान की अभिव्यक्तियों पर जियो हिस्टोरिकल संदर्भ के प्रभाव के लिए अधिक संवेदनशीलता। इसको बताया है क्रिस्टी 2006 ने। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के घाव के रूप में यह तेजी से स्पष्ट हो गया कि जियो हिस्टोरिकल संदर्भ का अर्थ और शांति के प्रकारों पर एक शक्तिशाली प्रभाव था जो सबसे अधिक फोकल थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ जियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन वर्ल्ड ट्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ जियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है वेस्टर्न जियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। पश्चिम में शांति मनोविज्ञान में कुछ शुरुआती अवधारणाएं शीत युद्ध के दौरान दिखाई दी। एक ऐसी अवधि जो दो व्यक्तियों के संघर्ष और सहयोग पर मनोविज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोगों में दुनिया में द्वितीय शक्ति विन्यास को प्रतिबिंबित किया। ऑस्गुड की GRTI फॉर्मुलेशन भी बायपोलर पावर अरेंजमेंट के साथ बड़े करीने से फिट होती है और व्यापक रूप से समूह के बीच तनाव को कम करने के लिए एक विधि के रूप में उद्गृत किया जाता है। इसके लिए शांति मनोविज्ञान देखे उत्तर अमेरिका से योगदान, ये जहाँ से लिया गया है ये उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा GRIT ने प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक पक्ष तनाव में कमी में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर सकता है। एक अर्थ में एक रिवर्स आर्म रेस इस बात से ज़्यादा प्रमाण नहीं है कि GRIT को अमेरिका सोवियत संबंधों के लिए लागू किया गया था, लेकिन खुशवेव और कैनेडी के कार्यों के लिए एक समानता थी। तनाव कम करने और सीमित प्रशिक्षण प्रबंधन संधि के परिणाम स्वरूप जिसने परमाणु परीक्षण को भूमिगत कर दिया। शीत युद्ध के दौरान कई हथियार नियंत्रण संधियों पर बातचीत की गई और संघर्ष समाधान का क्षेत्र उभरा। शीत युद्ध के घाव के रूप में युगोस्लावालिया के विघटन ने शांति मनोवैज्ञानिकों को और अधिक गहराई से समझने के लिए चुनौती दी, जो भूगर्भी और प्रेरकचरों को समझ सकते थे जो इस तरह के विनाशकारी और व्यापक हिंसा के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आघात से निपटने के प्रयासों में मनोवैज्ञानिकों को रिकॉर्ड संख्या में भेजा गया था। अन्य संघर्षों जैसे कि लॉयलिस्टिक प्रोटेस्ट मेजोरिटी एंड द रिपब्लिकन कैथोलिक माइनॉरिटी ऑफ नॉर्थन आयरलैंड ने भी केंद्र सरकार पर कदम उठाया, क्योंकि शोधकर्ता और चिकित्सकों ने उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक धार्मिक विभाजन के लिए सामाजिक वर्गीकरण सिद्धांत को लागू किया और उसके प्रभाव का अध्ययन किया। बच्चों और वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर संघर्ष और सुलह की संभावनाओं की जांच की जो शांति मनोविज्ञान करता है इस काम को, और शांति मनोवैज्ञानिकों ने या पीस साइकोलॉजिस्ट ने इस काम को किया। ये दिया है शांति मनोविज्ञान में यूरोप से योगदान में, ये जो संदर्भ लिया गया ये वहाँ से लिया गया है। 9/11 के बाद छात्रवृत्ति में बहुत वृद्धि आतंकवाद पर थी, क्योंकि विद्वानों ने आतंकवाद के कारण और परिणामों को समझने की कोशिश की। आतंकी मनोविज्ञान देखिए, आतंक का मनोविज्ञान, ये इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है एशियन जियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात जब हम करते हैं तो अब थोड़ा ब्रीफ में इसको भी समझ लीजिए। जबकि शीत युद्ध के दौरान परमाणु विनाश के खतरे ने पश्चिम में शांति मनोविज्ञान की बहुत सारी सामग्री को नष्ट कर दिया था, एशिया और विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों में प्रमुख शांति कथाएं कब्जे के औपनिवेशिक दायरे के आसपास घूमती थी। उदाहरण के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसक प्रकरण की उत्पत्ति भारत के ब्रिटिश विभाजन में हुई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिश विभाजन से तात्पर्य हुआ है कि जो विभाजन ब्रिटिशों द्वारा किया गया था, विभाजन और जीत की ब्रिटिश नीति जिसमें कुछ जातीय समूहों का पक्ष लिया गया था, वे मलेशिया और इंडोनेशिया में सांप्रदायिक विभाजन की अभिव्यक्ति पाते हैं। इसके अलावा जब औपनिवेशिक स्वामी वापस चले गए तो राजनीतिक अंतरिक्ष में वैक्यूम अक्सर सत्तावादी शासकों द्वारा भरा गया था, इसलिए एशिया के अधिकांश हिस्सों में सामूहिक ऐतिहासिक यादों को विदेशी व्यवसायों और तानाशाही द्वारा आकार दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से संरचनात्मक हिंसा की समस्या, जैसे कि अक्सर धन और शक्ति में भारी अंतर में परिलक्षित होता है, केंद्र की चिंता है। केंद्र की चिंता से मतलब यहाँ पे है पीस साइकोलॉजी की केंद्र की चिंता है।
ऐतिहासिक संदर्भों में जहाँ संरचनात्मक हिंसा फोकल है, शांति शब्द को संदेह के साथ देखा जा सकता है, जिसमें शांतिवादी स्थिति की ओर उन्मुखता बढ़ी है। जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं वे हैं सामाजिक न्याय मूवमेंट्स यानी संरचनात्मक शांति निर्माण, जो अंतर्गृही तनाव को शांत करते हैं और सामग्री और गैर सामग्री संसाधन मोटियल और नूर 2009 के अधिक समान वितरण के लिए प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के बाद दुनिया में अधिनायकीवादी शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया सामूहिक कथाओं में प्रकट होती है, जो एशिया के एक बड़े स्वास्थ्य में अहिंसक लोकतंत्रीकरण आंदोलनों को बढ़ावा देती है, जिसमें पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, नेपाल, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ताइवान और थाईलैंड शामिल हैं। पश्चिम के विपरीत पीपल पावर आंदोलन का विश्लेषण धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व पर धार्मिकता, व्यक्तिवाद पर सामूहिकता और उद्देश्य दृष्टिकोण के बजाय साझा विषयों पर जोर देने के लिए कहा जाता है। इसके लिए शांति मनोविज्ञान देखिए, एशिया से योगदान में से इसका रेफरेंस है। ये संक्षेप में फोकल चिंता और शांति की अभिव्यक्ति और एशिया में शांति मनोवैज्ञानिका का योगदान भौगोलिक प्रभाव से अनुप्रमाणित है। नेक्स्ट है, लैटिन अमेरिकन जियो हिस्टोरिकल के बारे में अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। लैटिन अमेरिकन ने मुक्ति आंदोलन को जन्म दिया, जो संरचनात्मक हिंसा की समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं। मुक्ति मनोविज्ञान का आमतौर पर इग्नोसियो मार्टिन के योगदान का पता लगाया जाता है। ये मुक्ति मनोविज्ञान भी एक मनोविज्ञान ही है, जैसे कि पी साइकोलॉजी है। बारो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक और अल सल्वाडोर के जेसुइट पुजारी मुक्ति मनोविज्ञान को देखना है। इसके लिए एशिया में शांति मनोविज्ञान के विपरीत नहीं, मुक्ति दृष्टिकोण हमेशा पश्चिमी मनोविज्ञान के साथ आराम से नहीं बैठती है, क्योंकि मुक्ति मनोविज्ञान के सिद्धांत ज्ञान पीढ़ी के लिए पश्चिमी दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं, जो एक व्यक्तिवादी डिकेटुशुअल और उद्देश्य के दृष्टिकोण को गले लगाता है। इसके अलावा लिबरल साइकोलॉजी यानी मुक्ति मनोविज्ञान, लिबरेशन साइकोलॉजी यानी कि मुक्ति मनोविज्ञान व्यक्तियों की मदद करने के अभ्यास से जोर देता है, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों को प्राक्सिस में समायोजित करता है, जो उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों के संदर्भ में समस्याओं को फ्रेम करता है और सिद्धांत विकास और अनुप्रयोग का पीछा करता है, जो सीधे उत्पीड़ितों की भलाई में सुधार करते हैं। लिबरेशन साइकोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से परिवर्तन व्यक्तिगत तो राजनीतिक स्तरों पर होता है और हर कोई मुक्ति प्रक्रिया यानी कि लिबरेशन प्रोसेस से प्रभावित होता है, यहाँ तक कि जुल्म करने वाले को परायपन की भावना से मुक्ति मिलने से फायदा होता है। समस्या समाधान देखिए, संगति करें। नेक्स्ट है, लिबरेशन साइकोलॉजी भी शांति मनोविज्ञान या पी साइकोलॉजी को चुनौती देता है। संघर्ष प्रबंधन की तकनीक के साथ मानवीय संबंधों के लिए एक दृष्टिकोण जो यथास्थिति के एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो सामाजिक आदेशों को आसानी से निर्विरोध छेड़ते समय संघर्षपूर्ण रिश्तों में तनाव को कम कर सकता है। स्पष्ट रूप से मुक्ति मनोविज्ञान तनाव मनोविज्ञान को तनाव में कमी से तनाव प्रेरणा में स्थानांतरित करने के लिए और ऊपर नीचे की ओर सामाजिक परिवर्तनों के लिए ऊपर नीचे आंदोलनों की शक्ति पर जोर देने के लिए शांति मनोविज्ञान को कुरेदता है। इसको बताया है मोनेटेरो और सोनी 2009 के अंदर। नेक्स्ट, अदर जियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सम गैप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अफ्रीका एक विशाल और विविध महाद्वीप है, जिसमें लगभग 53 राज्य और हजारों जातीय समूह शामिल हैं। शांति मनोविज्ञान में अफ्रीका के योगदान का गहन इतिहास नहीं रहा है, हालांकि कुछ प्रलेखन शुरू हो रहे हैं। ध्यान दें कि शांति के लिए स्वदेशी और पारंपरिक दृष्टिकोण है। शांति दूतों के रूप में महिलाओं की भूमिका और अंतर समूह सुलह पर काम करने का प्रयास। शांति मनोविज्ञान को देखें, अफ्रीका से योगदान सत्य और सुलह आयोग, संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली का मनोवैज्ञानिक प्रभाव और मनोविज्ञान, ये चीज आपको देखनी है। नेक्स्ट है, शांति मनोविज्ञान के लिए ऑस्ट्रेलिया के योगदान पर एक बढ़ता हुआ साहित्य भी है। एक ऐसा इतिहास जो पश्चिमी चिंताओं से घिरा हुआ है, जो परमाणु युद्ध का खतरा जहां मुख्य था, लेकिन हाल ही में आदिवासी लोगों और अप्रवासियों की हालिया लहरों के संबंध में संरचनात्मक हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलियाई शांति मनोवैज्ञानिकों ने विस्तार किया और स्टीरियोटाइप्स, पूर्वाग्रह और सबसे तेजी से बढ़ते अप्रवासी समूहों में भेदभाव को लागू किया। सूडानी, अफगान और इराकियों ने थ्रेस्टन और बलविन प्रेस में अंत में वर्तमान में चीन से शांति मनोविज्ञान में विद्वानों की कमी है, हालांकि सहयोगात्मक प्रयास उभरने लगे हैं। नेक्स्ट है, पी साइकोलॉजी मेड ए डिफरेंस, जो यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका आंसर हम इसमें देने की कोशिश करेंगे। अपनी खुद की पत्रिका, पुस्तक श्रृंखला, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, स्नातक पाठ्यक्रम और स्नातक विशिष्टताओं के साथ
शांति मनोविज्ञान के उद्भव ने कई मनोवैज्ञानिकों ने वैधता का एक उपाय प्रदान किया है, जो एक विद्वान शांतिवादी और उनकी खोज में सक्रियता मॉडल की सदस्यता लेते हैं। सामाजिक न्याय। लेकिन कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि मनोवैज्ञानिकों विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के पूर्वाध में शांति की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्ध क्षमता के लिए युद्ध में अधिक योगदान करते थे। शांति मनोविज्ञान देखना है इसके लिए उत्तर अमेरिका से योगदान के इसका रेफरेंस है। तब से मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीकों से शांति में योगदान दिया है। व्यवहार वैज्ञानिकों ने 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातक स्कूलों को एकीकृत करने के उच्चतम न्याय के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब मनोवैज्ञानिकों ने गवाही दी थी कि अलगाव मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक था। मनोवैज्ञानिकों ने बंधुओं के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को एक बौद्धिक मचान के रूप में तैयार किया, जो धारावाहिक सामाजिक नाटकों का निर्माण करने के लिए जिन्हें साक्षरता, लिंग समानता, HIV रोकथाम और परिवार नियोजन में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया है। इग्नासियो मार्टिन बॉल सेल्वाडोर के एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक और जेसुटाइन पुजारी ने मुक्ति मनोविज्ञान आंदोलन यानी कि लिबरेशन साइकोलॉजी मूवमेंट्स को प्रेरित किया, जो 1980 के दशक में लैटिन अमेरिका भर में बह गया और पूरे विश्व में समुदाय आधारित और सांस्कृतिक रूप से मुक्ति प्राप्त एजेंडा को जारी रखने के लिए जारी है। हर्बर्ट केलमैन की ट्रैक कूटनीति या समस्या समाधान कार्यशालाओं ने 1993 में ओस्लो समझौते यानी दो राज्य इसराइल फिलिस्तारी समाधान के लिए एक राजनीतिक माहौल और विचार बनाने में मदद की। इरविन जेनिस ने गुप्तिक की अवधारणा बनाई है। लोकप्रिय मीडिया में इसका तरीका और अमेरिकी सरकार की कार्यकारी शाखा के वर्तमान सदस्यों द्वारा एक अवांछनीय निर्णय लेने की शैली के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया विश्वविद्यालय में हमदी मलिक और उनके सहयोगियों ने बाकू बाल सुलह नामक एक सामाजिक आंदोलन में ईसाई और मुस्लिम समुदायों को एक साथ लाने के लिए एक जमीनी स्तर और अनौपचारिक सियासी कूटनीति के दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया, जिसने हिंसा की जगह आम लक्ष्यों की ढलान को बढ़ावा मिला। सामाजिक दायित्व के लिए मनोवैज्ञानिकों ने पूर्व समन्वयक एनी एंडरसन ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय ICC को मनोवैज्ञानिक रूप से सूचित गवाह प्रदान की है, जिसने बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए शारीरिक सुरक्षा और मनोसामाजिक समर्थन बढ़ाने में योगदान दिया, जो इससे पहले टेस्टी एड था, ICC ने इसको बताया है। अंत में, दक्षिण अफ्रीका में बेंडन हम्बर और उनके सहयोगियों ने दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों के लिए सहायता और स्वयं सहायता समूह खुलमनी स्पीक आउट की स्थापना की, जो एक ऐसा समूह था जो सक्रियता में बदल गया और गुप्त सुराग से हटा दिया गया। सत्य और सुलह आयोग अधिनियम को ऑफ RST ड्राफ्ट यदि प्रारंभिक मसौदे को स्वीकार कर लिया गया तो सभी TRC सुनवाई बंद दरवाजों के पीछे होगी, एक ऐसी व्यवस्था जो ज़्यादातर पीड़ितों के लिए अस्वीकार थी। ये और कई अन्य योगदान जो शांति मनोविज्ञान के मूल्य और वादों के अनुरूप होते रहते हैं। ना लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको किन किन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। कंसिस्टाइजेशन मुक्ति मनोविज्ञान या लिबरल साइकोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया में शांति मनोविज्ञान अफ्रीका से योगदान, शांति पीस साइकोलॉजी एशिया से योगदान, पीस साइकोलॉजी यूरोप से योगदान, पीस साइकोलॉजी उत्तरी अमेरिका से योगदान, समस्याकरण आतंकवाद मनोविज्ञान आतंकवादी मनोविज्ञान समस्याकरण आतंक मनोविज्ञान और आतंकवादी मनोविज्ञान, संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली मनोविज्ञान और सत्य सुलह और आयोग मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आज का लेसन कैसा लगा है। मुझे पता है कि लेसन थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एक न्यू सब्जेक्ट है जो हमारे नेट के सिलेबस में ऐड हुआ है और इसको जो इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो ये थोड़े से कुछ नोट्स बहुत सर्च करने के बाद मिले थे, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के लिए लेसन बनाना चाहिए। लेकिन ये खुद मुझे भी बहुत ज़्यादा टिपिकल लगा लेसन, लेकिन आप इसमें से ये कर सकते हो कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना सकते हो, और इससे रिलेटेड जब और कोई मटेरियल मुझे मिलेगा तो मैं उसको लेकर ज़रूर आऊँगी। आपके जो सुझाव है वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, तो आप अपने सजेशन भी देते रहिए और लेसन को बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।